शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। जून को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए एमआरपी की घोषणा की थी। वहीं बता दें, केंद्र सरकार ने धान के एमआरपी में 100 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसके उलट समर्थन मूल्य पर सुझाव देने वाले 15 से 14 राज्यों ने केंद्र सरकार से धान की मांग की है। वहीं बता दें कि धान की खेती में एमआरपी में बढ़ोतरी की सिफारिश भी की गई। इस साल यानी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि ग्रेड ए धान के लिए ये 2060 रुपए तय किया गया है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश के आधार पर विभिन्न फसलों का MSP तय करती है। वहीं CACP की एक रिपोर्ट बताती है कि सुझाव दिए गए 15 राज्यों में से 14 ने धान का MSP 2000 रुपये से बढ़ाकर 4513 रुपये प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया था। इनमें आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनमें से केवल जम्मू कश्मीर ने घोषित MSP से कम समर्थन मूल्य का सुझाव दिया। वहीं जम्मू कश्मीर ने धान के MSP के लिए 2000 रुपये क्विंटल का सुझाव दिया था, जो 15 राज्यों में सबसे कम था। वहीं तेलंगाना ने अधिकतम 4513 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा शासित 6 राज्य असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने इस खरीफ विपणन सीजन के लिए धान के MSP का कोई सुझाव नहीं दिया। वहीं धान खरीफ मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। किसान इसकी खेती कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से में करते हैं। देश के खाद्यान्न उत्पादन में धान की हिस्सेदारी 40% है। वहीं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और असम प्रमुख धान उत्पादक राज्य है। वहीं क्षेत्रफल और कुल उत्पादन को देखते हुए धान का MSP किसानों के लिए बहुत मायने रखता है। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 1.17 करोड़ किसानों को MSP का लाभ मिला है। वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा 30 मई को जारी एक बयान के अनुसार 29 मई 2022 तक 8.1 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इसमें खरीफ और रबी दोनों मौसम के धान शामिल हैं। इससे करीब 1.17 करोड़ किसानों को 1,58,000 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। इस बार धान के MSP में भले ही 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन ये 2018-19 के बाद सबसे ज़्यादा है। 2018 में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।